सो गाइज वेलकम टू प्ले कंसोल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे PS5 और Xbox Series X के गेम्स के ग्राफिक्स के बारे में, किस टाइप से ग्राफिक्स होने वाले हैं नेक्स्ट जेन कंसोल्स के गेम के, क्योंकि हमने अभी ऑलरेडी बहुत सारा गेम देखा है जैसे असैसिन्स क्रीड वाला, स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस और भी अदर बहुत सारे नेक्स्ट जेन गेम्स जो हैं वो आने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो आपने ग्राफिक्स देखा है ये एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी कि अभी मेन जो ग्राफिक्स है जो ट्रू नेक्स्ट जेन गेम है वो आपने नहीं देखा है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ अनरियल इंजन और यूनिटी इंजन के डेमो दिखाऊंगा जो कि रियल टाइम है और इसी टाइप से ग्राफिक्स जो है आपको नेक्स्ट जेन कंसोल्स पे देखने को मिलेगा। अनरियल और यूनिटी दोनों ही आपको पता होगा गेम इंजन है और गेम्स में ग्राफिक्स जो है बहुत सारे गेम्स में इन्होंने ग्राफिक्स को ऑलरेडी दिया है। तो अभी मैं आपको कुछ डेमोज दिखाऊंगा जो कि अनरियल इंजन या फिर यूनिटी इंजन के ऊपर बेस्ड होने वाला है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ अनरियल इंजन का एक डेमो जो कि है एक हाउस का, जो कि काफ़ी रियलिस्टिक लगता है और फोटो रियलिज्म हाउस है ये, और ये रियल टाइम है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हाउस पूरी तरीके से एक्सप्लोरेबल है, आप इसके डिज़ाइन को, इसके टेक्सचर्स को, इसके लाइटनिंग डिटेल्स को, सारी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। बेसिकली ये जो हाउस है ये अनरियल इंजन 4 पे बेस्ड है, यानी कि अनरियल इंजन अभी 5 लॉन्च नहीं हुआ है, 4.26 जो है अभी लेटेस्ट वर्जन आया है अनरियल इंजन का, लेकिन ये जो है डेमो काफ़ी पुराना है। तो उस टाइम भी अनरियल इंजन 4 पे इतना ज़बरदस्त ग्राफिक्स आ सकता है और यहाँ पे जो कंसोल की लिमिटेशन है उसी की वजह से गेम्स के ग्राफिक्स इस टाइप के आपको देखने को नहीं मिले, लेकिन डेफिनेटली नेक्स्ट जेन गेम्स के जो ग्राफिक्स होंगे वो बिल्कुल इसी टाइप से होंगे। तो इस घर को देखने के बाद आपको अंदाजा लग जाता होगा, ज़्यादातर हॉरर गेम में इस टाइप के हाउस में आपको खेलने को दिया जाता है, तो उसका जो ग्राफिक्स होगा हाउस का वो काफ़ी सिमिलर होगा इस अनरियल इंजन के डेमो से। अब यहाँ पे आप जो दूसरा डेमो देख रहे हैं ये भी अनरियल इंजन पे रेंडर है, और ये जो डेमो है ये टाइटैनिक शिप का है जो कि काफ़ी टाइम पहले जो है सिंक हो गया था, तो उसी का जो है यहाँ पे डेमो बनाया गया है और जो शिप में एग्जैक्ट डिटेलिंग थी वही डिटेलिंग को 3D मॉडल बनाकर रेंडर किया गया है। ये भी शिप पूरी तरीके से एक्सप्लोरेबल है, जैसा कि आप देख सकते हैं आप शिप में हर जगह जा सकते हैं। तो इस टाइप के जो डेमो है जो अनरियल इंजन या यूनिटी बनाते हैं, इन डेमोज को आप डाउनलोड करके अपने पीसी पे चला सकते हैं। तो ये जो टाइटैनिक का डेमो है ये एक्सप्लोरेबल डेमो है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी डिटेलिंग है टाइटैनिक की वो ओरिजिनल शिप से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, और अदरवाइज जो ग्राफिक्स है वो भी फोटो रियलिज्म है, यानी कि इससे ओरिजिनल ग्राफिक्स आपको गेम्स में देखने को नहीं मिलेगा। ये जो है बहुत ही बेस्ट ग्राफिक्स है, अगर फ्यूचर में टाइटैनिक के ऊपर कोई गेम आता है तो शिप की जो ग्राफिक्स होगी वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होगी इस ग्राफिक्स से, या फिर कोई अदर शिप का भी गेम आता है तो भी आपको शिप के डिटेलिंग इसी टाइप से देखने को मिलेगी। लेकिन अगर गेम का जो बजट है वो थोड़ा हाई होगा तो नेक्स्ट जेन गेम डेफिनेटली बहुत सारे सरप्राइजेस लाने वाला है हम सब के लिए। अब जो डेमो आप देख रहे हैं ये यूनिटी इंजन पे रेंडर है, यानी कि अनरियल इंजन ने इसमें काम नहीं किया है। तो ये जो फॉरेस्ट है ये भी एक्सप्लोरेबल फॉरेस्ट है और यूनिटी इंजन पर बेस्ड है। तो अगर फॉरेस्ट जो नेचुरल एनवायरनमेंट आपको नेक्स्ट जेन गेम में देखने को मिलेगा वो सिमिलर मिल सकता है इसकी तरह जैसा ये रेंडर हुआ है, बिल्कुल ये रियल टाइम रेंडर है और ये इंटरैक्टिव भी है, यानी कि आप इसके ऑब्जेक्ट के साथ भी इंटरैक्ट कर सकते हैं। और अगर अनरियल इंजन जो है डेमो बनाता है फॉरेस्ट का तो उसका भी ग्राफिक्स काफी सिमिलर होगा इससे, या इससे थोड़ा सा अच्छा भी हो सकता है। फॉरेस्ट का जो एनवायरनमेंट है देखकर आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि नेक्स्ट जेन गेम में आपको किस टाइप से फॉरेस्ट जो है देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉरेस्ट की जो डेंसिटी है वो बढ़ा दी जाएगी, यानी कि काफी बड़ा और एक्सप्लोरेबल फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट जेन गेम में, क्योंकि गेम्स जो है काफी बड़े बनने वाले हैं SSD की वजह से। अब बात करते हैं कैरेक्टर मॉडल्स के बारे में, क्योंकि कैरेक्टर मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर आप गेम्स खेलते हैं तो, क्योंकि एनवायरनमेंट की डिटेल जो मैंने आपको दिखाई वो टोटली फोटो रियलिज्म हो चुकी है, लेकिन कैरेक्टर के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे इसके भी ऑलरेडी बहुत सारे डेमोज आ चुके हैं और अनरियल इंजन ने भी इसका डेमो लॉन्च किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये कैरेक्टर जो है ये एक असली इंसान था जिसे रेंडर किया गया है अनरियल इंजन के थ्रू और इसका एक 3D मॉडल निकाला गया है। तो एक तरीके से जो हेयर रेंडरिंग है आप देख रहे हैं, जो टेक्सचर डिटेलिंग है स्किन की, वो फोटो रियलिज्म है, इससे आगे आपने किसी भी गेम में नहीं देखा होगा, क्योंकि अभी भी जितने भी गेम्स आते हैं उनका ग्राफिक्स इस लेवल का नहीं है। तो कैरेक्टर जो डिटेलिंग है, ये सारे जो आप कैरेक्टर्स देख रहे हैं ये अनरियल इंजन ने बनाए हैं और इसी टाइप से कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट जेन गेम्स में। अब मैं आपको बताता हूँ ऑफिशियल EA के वर्क इन प्रोग्रेस गेम के बारे में, क्योंकि EA ने भी अनाउंस किया था उनका वर्क इन प्रोग्रेस गेम है बहुत सारा जो नेक्स्ट जेन कंसोल्स के लिए आने वाला है, जो कि फुल एडवांटेज लेगा नेक्स्ट जेन कंसोल्स के स्पेस का। तो EA ने बहुत सारे डेमोज दिखाए हैं और ये जो डेमो आप देख रहे हैं ये EA का ऑफिशियल लॉन्च किया हुआ डेमो है, जब EA ने लाइव स्ट्रीमिंग करके एक इवेंट किया था तो वहां पे उन्होंने ये डेमो को दिखाया था, और आप नीचे देख सकते हैं वर्क इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है। तो ये जो कैरेक्टर है ये बैटलफील्ड का है, बैटलफील्ड का जो अपकमिंग आने वाला गेम है EA की तरफ से, उसका जो कैरेक्टर मॉडल है वो इसकी तरह होने वाला है, बिल्कुल सिमिलर है, तो इसी पे अभी काम किया जा रहा है। और ऊपर से यहाँ पे नीड फॉर स्पीड जो गेम है EA का, उसकी भी जो कार की डिटेलिंग है वो भी दिखाई गई है,
जो कि कार देखने में पूरा रियलिस्टिक लग रहा है और लाइटनिंग इफेक्ट की वजह से यहाँ पे कार और भी ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। तो एक तरीके से ये पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने अपना वर्क इन प्रोग्रेस गेम को दिखाया है जो कि नेक्स्ट जेन कंसोल्स पे आने वाला है। तो ये एक ऑफिशियल वीडियो थी जो आपने देखी अभी, और यहाँ पे सभी गेम इंजन जो है इम्प्रूव हो रहे हैं नेक्स्ट जेन कंसोल्स के लिए, प्रिपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट जेन गेम्स को लाने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट जेन गेम्स गेम चेंजर होने वाला है। और आपने जो अभी देखा है जितने भी गेम्स, तो वो टोटली नेक्स्ट जेन गेम नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, क्योंकि EA ने भी ऑफिशियली ये चीज़ लॉन्च किया है। तो डेफिनेटली गेम जो है आपको इसी टाइप से देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसे गेम आपको 2021 के बाद देखने को मिलेंगे। 2021 में भी आप इसी टाइप के ग्राफिक्स वाले गेम देखेंगे, जैसे वलहला है, माइल्स मोरालिस है, या फिर अदर जो गेम आने वाले हैं उनका ग्राफिक्स 2021 में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। ट्रू नेक्स्ट जेन गेम जो होंगे वो 2022 से आएंगे, जैसे प्रैगमेटा है, हेलब्लेड है जो कि एक्सबॉक्स सीरीज एक्स ने दिखाया है, और ये भी सबसे बड़ा एग्जांपल है नेक्स्ट जेन गेम्स के ग्राफिक्स का, क्योंकि हेलब्लेड पहला ऐसा गेम है जो अनरियल इंजन 5 पे बना हुआ है। तो एक तरीके से बहुत सारे स्टूडियोज ने अपने वर्क इन प्रोग्रेस गेम्स को भी दिखा दिया है जो कि नेक्स्ट जेन कंसोल्स में आने वाले हैं आफ्टर 2022, जिनमें से हेलब्लेड हो गया, बैटलफील्ड और नीड फॉर स्पीड। तो ये सारे जो गेम्स हैं ये नेक्स्ट जेन कंसोल्स पे आएंगे। तो ग्राफिक्स जो है, अगर कैरेक्टर मॉडल के बारे में बात की जाए या फिर एनवायरनमेंट डिटेल के बारे में, तो वो टोटली फोटोरियलिज्म जो है अप्रोच हो चुका है PS5 और एक्सबॉक्स सीरीज एक्स के एरा में। लेकिन बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐसे स्टूडियोज हैं जिनका ज्यादा बजट नहीं होता है, तो वो लोग शायद इस टाइप के ग्राफिक्स को नहीं दे पाए। आप इस टाइप के ग्राफिक्स को फर्स्ट पार्टी AAA टाइटल्स में ही ज्यादा देखेंगे, क्योंकि बजट भी मैटर करता है यहाँ पे। तो ये जो मैंने आपको डेमोज दिखाए हैं, चाहे वो यूनिटी इंजन का हो या अनरियल इंजन का हो, ये रियल टाइम है। और डेफिनेटली अनरियल इंजन ने भी कंफर्म किया है कि फोटोरियलिज्म जो है अप्रोच हो चुका है, और अभी भी बहुत सारी जो इम्प्रूवमेंट है वो होनी बाकी है। आपको एक तरीके से इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलने वाला है अगर आप नेक्स्ट जेन गेम्स को खेलेंगे तो। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इनमें से कौन सा डेमो सबसे ज्यादा अच्छा लगा है, और आपको यूनिटी या अनरियल दोनों में से कौन सा गेम इंजन ज्यादा पसंद है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली अपकमिंग सारी गेमिंग न्यूज रिलेटेड वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होता है, तो मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।